अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके साथ सब्जी शेयर करने लगी हूँ। आलू और गोभी की रेसिपी। आधा किलो मैंने आलू ले लिए और आधा किलो गोभी ली है और एक बड़ा प्याज लिया है, एक टमाटर बड़ा लिया है और एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी सूखे धनिया का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी और ये अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच मैंने ये भर के ले लिया और अभी आपको बताते हैं। ये घी मैंने ले लिया था और इसको मैंने गरम कर लिया है। आधा कप मैंने घी का लिया है और ये प्याज ऐड करने लगी। हल्का सा इनको ब्राउन कर लेंगे, फिर इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हल्के से, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम ये टमाटर और हरी मिर्चें मैंने दो काट ली थी ये ऐड करेंगे। और सारे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, ये नमक, सूखे धनिया का पाउडर। अब इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे, फिर इसमें सब्जी ऐड करेंगे। ये मसाला थोड़ा सा मैंने भून लिया, अब इसमें हम सब्जी ऐड करेंगे। पहले आलू ऐड करूंगी इसमें। अब इसमें हम ये गोभी ऐड करेंगे और हल्का से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के दम पे रख देंगे इसका। ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको दम पे रख देंगे हम मिक्स कर। ये सब्जी हमारी होगी तैयार। इसमें आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालेंगे, ये अच्छा होता है ना इसमें डालना, जो बादी वगैरह गोभी की होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें ये धनिया ऐड करेंगे, और ये हरी मिर्चें दो ऐड करेंगे, थोड़ी सी अदरक, कुछ मैं वो गार्निश के लिए रख लूँगी। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये है गाइस मेरी सब्जी की, आलू गोभी की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऊपर मैंने अदरक की गार्निश की है और अदरक इसमें ज़रूर डाले, ये अच्छी लगती है इसमें। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।